मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हमारी ग्रोथ रेट पिछले साल 19.6% थी, देश में नंबर एक पर। हमारी जीएसडीपी जो कभी 71,000 करोड़ हुआ करती थी, आज 15 लाख करोड़ पार कर गई है। मुख्यमंत्री चौहान ने भोपाल में अखंडता का उत्सव सांस्कृतिक समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित अखंडता का उत्सव सांस्कृतिक समारोह कार्यक्रम में कहा कि हमारा मध्य प्रदेश भी कम नहीं है। हमारी ग्रोथ रेट पिछले साल 19.6% थी, देश में नंबर एक पर। हमारी जीएसडीपी जो कभी 71,000 करोड़ हुआ करती थी, आज 15 लाख करोड़ पार कर गई है। हमने जब सरकार संभाली तब पर कैपिटा इनकम 11,000 थी, आज बढ़कर 1,40,000 हो गई है। देश के जीएसडीपी में हमारा योगदान जो 30% हुआ करता था, आज मध्य प्रदेश का योगदान 4.6% हो गया है। और अपना मध्य प्रदेश भी कम नहीं है जी, हमारी ग्रोथ रेट पिछले साल 19.6% थी, देश में नंबर एक थे। इस साल 16.06% हमारी जीएसडीपी जो कभी 71,000 करोड़ हुआ करती थी, आज बढ़ के 15 लाख करोड़ पार कर गई है। हमने जब सरकार संभाली तो पर कैपिटा इनकम हम तो बीमारू राज्य थे, 11,000 थी, आज बढ़ के 1,40,000 रुपया हो गई है। देश की जीएसडीपी में पहले हमारे जो योगदान 3% हुआ करता था, आज मध्य प्रदेश का योगदान 4.6% हो गया है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, और मध्य प्रदेश के इस विकास में गुजरात और महाराष्ट्र के भाई बहनों का भी अतुलनीय योगदान है। मैं आपके योगदान को प्रणाम करता हूं। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश के विकास में गुजरात और महाराष्ट्र के भाई बहनों का अतुलनीय योगदान है, मैं आपके योगदान को प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश जो आता है वो मध्य प्रदेश का ही हो जाता है, जैसे दूध में शक्कर खुलकर एक हो जाती है, वैसे ही मध्य प्रदेश में आकर सब एक हो जाते हैं। मध्य प्रदेश भी अपने ऐसा है कि जो मध्य प्रदेश आता है वो मध्य प्रदेश का ही हो जाता है, ना कोई पूरब का है, ना कोई पश्चिम का है, ना कोई उत्तर का है, ना कोई दक्षिण का है, सब आपड़ा मानुष आए। जैसे दूध में घुल के शक्कर एक हो जाती है, वैसे ही सब मध्य प्रदेश में आके मध्य प्रदेशी हो जाते हैं। चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री ने भी एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को पूरे देश में साकार किया है। इसी भावना के अनुरूप आज महाराष्ट्र गुजरात दिवस है। मैं दोनों राज्यों के स्थापना दिवस के अवसर पर ही मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे दोनों महान राज्य प्रगति करें, विकास करें, देश की प्रगति और विकास में अतुलनीय योगदान दें। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। प्रधानमंत्री जी ने भी एक भारत और श्रेष्ठ भारत के मंत्र को साकार पूरे देश में किया है, और इसी भावना के अनुरूप आज महाराष्ट्र और गुजरात दिवस है। तो ये केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं है, ये केवल गुजरात के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है, ये हम सब के लिए है। और इसलिए दोनों राज्यों के दिवस के इस अवसर पर दोनों राज्यों की स्थापना भी, गुजरात और महाराष्ट्र अस्तित्व में आए सांस्कृतिक रूप से तो हजारों साल पहले से है, लेकिन राज्य के रूप में मैं दोनों राज्य की महान जनता को, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले,
हर मसले का सटीक विश्लेषण। हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़, आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।